लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में अपने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की, कई लोगों की समस्याएं सुनी। विस्तार स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर कोटा आए। उन्होंने अपने कैंप में लोगों की सुनवाई की। वे तड़के दुरंदो एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे थे। स्पीकर बिरला का आमजन से मिलने का कार्यक्रम हुआ। कैंप कार्यालय में बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश थी समस्याओं के। कैंप कार्यालय में स्पीकर बिरला आमजन से भी मिले। उनके कोटा पहुंचने की सूचना पर स्पीकर बिरला से मिलने कोटा शहर ही नहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग भी आए, जहां बिरला ने आमजन के अभाव अभियोग सुने। जब भी मैं संसदीय क्षेत्र में आता हूं, लोगों की बातें सुनते हैं और समस्याएं उनके अभाव भी सुनते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान उनके अभाव जो उसका प्रयास करते हैं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच में रहे, उनकी बातों को सुने, चर्चा करें, संवाद करें, समस्याओं का समाधान करें, विकास की योजनाएं ठीक तरीके से पहुँची उस पर मिशन का पार्ट बनाए। मुझे लगता है कि चाहे कितने बड़े पद पे हो, लेकिन हर व्यक्ति को जनता ने जिनके चुनकर भेजा है उनको इस दायित्व को निभाना चाहिए। जो बच्चे हैं रेजिडेंस के बच्चे हैं, अपने फरियाद देखे बच्चे रेजिडेंस के और कोचिंग के बच्चे आए हैं, मैंने उनके परिवार के लिए उनकी बात सुनी है और एचआरडी मिनिस्टर को उनके बारे में जानकारी दी है। निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।